अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने चैनल के लिए 3D लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए काइन मास्टर। अगर आपके पास है तो उसे ओपन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर में जाकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सोलानो पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपको बैकग्राउंड के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और इस तरह से इसके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर देना है। और फिर यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से हमें क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में छोटा कर लेना है, और इसके बाद हमें यहाँ से इसको इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद हम इसे सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद इसे यहाँ से इस तरीके से फिक्स कर दीजिए बिल्कुल, और उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें डुप्लीकेट पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेना, और इसके बाद हम इसका यहाँ से कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद हमें यहाँ से क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें मास्क ऑन कर लेना है। मास्क ऑन करने के बाद शेप पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से हमें ये शेप सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से हम इस लेयर को थोड़ा छोटा कर देंगे, और इस तरीके से फिक्स करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसका कलर चेंज करके रेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कलर चेंज करने के बाद हम यहाँ पर इसे इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हम इसे भी डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम कलर चेंज करेंगे, और इसका कलर चेंज करके हम वाइट कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ से क्रॉपिंग के आइकन पर क्लिक करना है। क्रॉपिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद हम इसे इस तरीके से क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम यू टाइप कर लेंगे। यू टाइप करने के बाद हम यहाँ से इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और फिर हम यहाँ से राइटिंग का कलर चेंज करके ब्लैक कर देंगे, और इसके बाद आपको डबल ए पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से सेंटर में एडजस्ट कर लें, और इसके बाद हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ से इसे नीचे ले आएंगे सेंटर में, और उसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और ये यू रिमूव करके हम यहाँ पर ट्यूब लिख देंगे। लिखने के बाद हम यहाँ से इसे सेंटर में एडजस्ट कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ से ट्यूब का कलर चेंज करके वाइट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है, और वापस वीडियो पे क्लिक करके इसी वीडियो को ओपन करना है, और यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस वही वीडियो ऑन करेंगे हम, और इसके बाद यू पे क्लिक करके कीबोर्ड के आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमने यूट्यूब लिखा है इसे रिमूव करके हम अपने चैनल का नाम लिख देंगे, जो भी हमारे चैनल का नाम है। मेरा हानियाज टेक्निकल है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब रिमूव करके हानियाज टेक्निकल लिख रही हूँ, लेकिन पहले आपको यूट्यूब जो हमने लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके बाद आप इसे चेंज करके अपने चैनल का नाम लिखेंगे, और लिखने के बाद आप यहाँ से इस वीडियो को भी ऑन करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद और इसके बाद हमें अपनी गैलरी ओपन कर लेनी है, और वो स्क्रीनशॉट ओपन कर लेना है जो हमने अभी लिया है अपने चैनल के नाम का और यूट्यूब का। ओपन करके हम इसे क्रॉप कर देंगे, जो हमने दोनों स्क्रीनशॉट लिए हैं दोनों को हम अच्छे से क्रॉप कर देंगे, और क्रॉप करने के बाद
और इसके बाद यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर और 3D फोटो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे ओपन कर रही हूँ। और यहाँ से आपने फिर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, ग्रीन बैकग्राउंड। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग गूगल पर जाएँ, वहाँ पर लिखें ग्रीन बैकग्राउंड और वहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद वापस ऐप ओपन करें। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है जो हमने अभी इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया है। सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके इस तरह से हम इसे सेव कर लेंगे अपने बैकग्राउंड के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ से चेंज फोटो पर क्लिक करना। तो गाइस यहाँ पर हम हर पिक्चर के ऊपर क्लिक करके वो इमेज यहाँ पर सेट कर देंगे जो हमने अपने लोगों के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पर एक तरफ मैं YouTube का इमेज लगा रही हूँ और दूसरी तरफ चैनल के नेम का। आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप अपने चैनल का भी सिर्फ लगा सकते हैं हर साइड, या फिर आप हर तरफ अलग अलग चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। सारी इमेजेस पर क्लिक करके आप इस तरह से सेट कर लेंगे जब सारे इस तरह से। उसके बाद हम चेंज फ्रेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने नोन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने जाना है सेटिंग पे। यहाँ से हमने पहले मीडियम पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पिन पे और उसके बाद यहाँ से नो पे। उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ से हमने जाना है क्रिएट वीडियो पे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का लोगो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके इस लोगो को रिकॉर्ड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने इमेज सेट किया था, एक साइड यूट्यूब और दूसरी तरफ अपने चैनल का नेम, तो उसी तरह से हमारा लोगो भी टर्न ऑफ कर रहा है। सो गाइस इसके बाद आपने काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद बैकग्राउंड का कलर चेंज करके हम यहाँ से ग्रीन कर देंगे और इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें लेयर पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद हम यहाँ से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉप कर देंगे और इसके बाद यहाँ से हमने मास्क ओपन करना है और ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से क्रॉप कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे भी इसके नीचे हम सेट कर देंगे और इसके बाद हम इसका कलर चेंज करके रेड कर देंगे। रेड करने के बाद हम क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा और क्रॉप कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से सेट करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने फोटोक्यूब ऐप से स्क्रीन रिकॉर्ड की थी। यहाँ से हमें क्रोमा की पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से इसे इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम वीडियो प्ले करेंगे। सो गाइस इसके बाद आपने आ जाना है गूगल में और यहाँ पर सर्च करना है लाइक सब्सक्राइब बटन और फिर इसके बाद आपने वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेकंड वाली वीडियो ओपन कर लेनी है। आपको ऊपर जो फ्री डाउनलोड लिखा नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हमने फिर से काइन मास्टर ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो अभी आपने लाइक सब्सक्राइब बटन की वीडियो डाउनलोड की है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से क्रोमा की पे क्लिक करना है और फिर मास्क पे क्लिक करके मास्क ऑन कर लेना है। और फिर रेड लाइन के ऊपर हम लाइक सब्सक्राइब बटन को सही से सेट कर देंगे और उसके बाद हमें लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आने के बाद हमें अपने चैनल का नेम टाइप करना है। उसके बाद हमें अपनी राइटिंग का कलर चेंज करके ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद हम इसे यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम डबल ए पे क्लिक करके अपनी राइटिंग चेंज कर लेंगे। और इसके बाद हमें रेड लाइन को सिलेक्ट करना है, इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने वेब राइट पे क्लिक करना है। वेब राइट पे क्लिक करने के बाद हम इसे 2 सेकंड पे रखेंगे। और इसके बाद हमें वाइट लाइन को सिलेक्ट करना है, इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और इसे हम वेब राइट पे रखेंगे 2 सेकंड पे। बाद हमें सीसा के आइकन पे क्लिक करना है और हर लाइन को सिलेक्ट करके ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड कर देना है। इस तरह से सारी लाइनों को हमने बराबर कर लेना है। और फिर हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन और चैनल के नेम वाली लाइन के अलावा हम हर लाइन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन वाली लाइन और चैनल के नेम वाली लाइन को कॉर्नर में शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम वीडियो प्ले करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल का ब्यूटीफुल सा लोगो तैयार है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को काइन मास्टर से वीडियो क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेयर में वीडियो करने में प्रॉब्लम हो या फिर काइन मास्टर से वीडियो क्रिएट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसकी वीडियो भी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी ब्लर रिकॉर्ड हुई है, इसलिए आपको फिर से शो नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लोगो कैसा लग रहा है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।